हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स, मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। ऐसे ही खुश रहिए। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ न्यू मून से रिलेटेड कुछ रिचुअल, जिसमें मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि ताकि आप आराम से देख सकें। और बहुत ईजी रिचुअल्स इसमें मैं बता रही हूँ, क्योंकि रिचुअल्स मैंने आपको जैसे कि बताया बहुत सारी हैं, बट सारी एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती। तो मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट फुल मून तक और न्यू मून तक मैं वीडियोस रिलीज कर दूं। बट अभी जो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट थ्री वीडियोस में, जो मैं अपने आपको रिचुअल्स बताने वाली हूं, बहुत इजी है और आप उसको जरूर करिएगा। जो मैंने फुल मून वाली बताई थी, आप आई होप कि आप लोग वो यूज कर रहे हैं, उसके बेनिफिट्स भी देख रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे न्यू मून की। मैं फिर से हल्का सा छोटा सा बता देती हूँ, देखिए न्यू मून और फुल मून में डिफरेंस है। फुल मून में जो फुल मून होता है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि बहुत रोशनी होती है, बट वो धीरे धीरे घटना शुरू होता है। तो इसलिए हम फुल मून पे वो रिचुअल्स करते हैं जो हमें अपनी लाइफ से निकालनी है चीजें, जैसे निगेटिविटी हो गई, कोई ब्लॉकेजेस हो गए, कोई हिंड्रेंस हो गए, जो हमें लाइफ में बढ़ाना नहीं है बट घटाना है और निकालना है। न्यू मून में हालांकि अंधेरा होता है, अमावस्या कहलाता है, बट उसके बाद न्यू मून से देखिए मून बढ़ना शुरू होता है, रोशनी आनी शुरू होती है। तो हम न्यू मून पे वो रिचुअल्स करते हैं जो कि हमें अपनी लाइफ में इंक्रीज करनी होती है, बढ़ानी होती है, चाहे वो आपकी मैनिफेस्टेशन हो, फाइनेंस हो, कुछ भी हो। तो न्यू मून पे वही रिचुअल्स करी जाती हैं। अमावस्या का सबको पता है, रिचुअल्स बहुत सात्विक हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। देखिए अमावस्या से बहुत हर चीज गलत लेने की जरूरत नहीं है, अमावस्या पे सारे अच्छे काम भी होते हैं। कई लोग बहुत देर तक मंत्रा चैंटिंग करते हैं रात में बाहर बैठकर, मैं भी करती हूँ, मैं बहुत सारे मंत्रा चैंट करती हूँ बाहर बैठ के। ये चीज अमावस्या में करनी चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को रेडी कर रहे होते हो कि हाँ, कुछ भी जो आपकी इंटेंशन है अब आप उसको बढ़ाना चाह रहे हो, आप उसको एनर्जाइज कर रहे हो। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करती हूँ आज के टॉपिक का। और उससे पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आता है तो जरूर 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 लाइक करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले जो मैंने आपको क्लिंजिंग की चीज बताई थी, देखिए घर में हमें सफाई हमेशा करनी होती है, न्यू मून पे भी स्पेशली आपको सफाई पूरी करनी है, डीक्लटर करना है। क्योंकि अगर आपका घर भरा रहेगा तो नई चीजें आप कहाँ रखोगे, अगर सारा कप भरा हुआ है तो नई चीजें कहाँ रखोगे। तो इसलिए आप न्यू मून पे भी डीक्लटरिंग करिए, पूरा घर साफ करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो मैंने आपको सेजिंग वाली चीज बताई थी, देखिए मैंने यूज करी हुई है, आप सेजिंग पूरे घर में कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था आप मेन डोर से शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज आपको करना है और दोबारा मेन डोर पे आना है, यानी कि आप अपने घर के मेन डोर से शुरू करके आप जब सेजिंग या क्लिंजिंग करेंगे उसमें आपको एंटी क्लॉकवाइज आना है और दोबारा आपको मेन गेट तक आना है। हम सबके पास देखिए लोबान होता है, गुगल हमारे पास, अगरबत्ती धूप बत्ती होती है। अगर आपके पास ये सेज बंडल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोबान की धूप बत्ती हो, अगरबत्ती, आप उससे भी कर सकते हैं। अगर आप इसे सम्राणी कप भी बोलते हैं, इसको नैवेद्यम भी बोलते हैं, आप इससे भी कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी जो है लोबान और ये क्या नाम आपका गुगल भी रहता है, फ्रैंकिंसेंस और ये गुगल इसको बोलते हैं, ये सारी चीजें रहती हैं, चारकोल रहता है, ये इसको भी आप लेके किसी बर्तन में रख के फिर आप पूरे घर में चक्कर लगा सकते हैं। और इंटेंशन के साथ कि आपके घर में बहुत प्रॉस्पेरिटी आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, अबेंडेंस आ रही है, आपकी जो इच्छा है वो भी बोल सकते हो, कि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपको बहुत सारा प्यार मिल रहा है, सबके साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, जो आपके मन में इंटेंशन हो आप यही बोलते बोलते पूरे घर में धुआं दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, अगरबत्ती से कर दीजिए आप, जो इससे कर दीजिए, नहीं अगर कुछ है तो लौंग और कपूर सबके घर में होता है, आप एक लौंग में दो, सॉरी एक कप, एक कपूर में दो लौंग, या आपको जो भी क्वांटिटी ठीक लगे आप वो लेके पूरे घर में उसका धुआं दिखा दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, जो मेन रिचुअल आज की है उसमें आपको मैं बताती हूँ। देखिए सिनेमन स्टिक सबके घर में होती है, ठीक है, इस तरीके की भी आती है, कई तरीके की आती है, अगर आपके पास सिनेमन पाउडर भी है वो भी चलेगा। आपको क्या करना है, एक या दो सिनेमन स्टिक को एक लीटर पानी में डालकर बॉइल करना है, तीन चार मिनट, पांच मिनट आप इसको आराम से बॉईल होने दीजिए, ताकि इसका पूरी जो महक है, खुशबू है, जो इसका ऑयल है वो उस पानी में चला जाए। अगर आपको एक लीटर से ज्यादा पानी बनाना है, क्योंकि मैं अभी आपको पोछा लगाने के लिए बोलूंगी, ठीक है, तो आपको अगर एक लीटर से ज्यादा, अगर आपका घर बहुत बड़ा है तो आप दो तीन लीटर पानी ले सकते हैं, उसमें आप उतनी सिनेमन स्टिक इंक्रीज कर सकते हैं क्वांटिटी। आपने पानी लिया एक लीटर मिनिमम, जितना आपका मन है आपने पानी लिया, सिनेमन स्टिक्स एक दो तीन चार पांच जो आपका मन है आपने डाला, अच्छे से बॉईल करा, फिर उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब वो ठंडा हो जाए तो आपको उसमें मिलाना है सी सॉल्ट, सी सॉल्ट नहीं है तो आप सेंधा नमक मिलाएंगे, और सेंधा नमक अगर नहीं है तो वर्स्ट केस में खाने वाला जो नमक होता है सादा नमक वो मिलाएंगे। मैंने पहले की वीडियो में बताया है कि ये सारी रिचुअल्स करने के लिए किचन से सामान, जिसमें यानी कि जो मसालेदानी जिसमें आप रोज खाने के लिए यूज कर रहे हैं
वहां से आपको नमक नहीं निकालना है, अलग से जार बना के रख लीजिए कांच का। नमक कभी प्लास्टिक में नहीं रखा जाता है, तो कांच का जार बना लीजिए कि सी सॉल्ट या सेंधा नमक अलग से उसमें रख लीजिए, कि इससे जो भी मैं रिचुअल्स रेमेडीज करूंगी या घर में जो भी पोछा लगेगा वो इससे लगेगा, तो आप अलग निकाल के रख लीजिए। तो मैंने आपको बताया, पानी में आपने अच्छे से सिनेमन उबाल लिया, पाउडर है तो पाउडर डाल लीजिए, बाद में उसको स्ट्रेन कर लीजिएगा, छान लीजिएगा, फिर उसमें आपको नमक डाल के सी सॉल्ट या सेंधा नमक रॉक सॉल्ट डाल के आप अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा आप अलग निकाल के रख लीजिए। बाकी जो पानी बचेगा उससे पूरे घर में आपको पोछा लगाना है या लगवाना है, बट झाड़ू पोछा पहले हो चुका हो, आपकी मर्जी, आप खुद से लगाएं या लगवाएं वो आपके ऊपर है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि गंदे घर में लगा दिया, झाड़ू पोछा होने के बाद ही होगा। आपने ये कर लिया, और जो पानी आपने अलग से निकाल के रखा था, अब आप उससे अपना मेन डोर अच्छे से साफ करेंगे, ठीक है। देखिए, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि फुल मून पे हम जो हमारा बैक डोर होता है उस पर फोकस करते हैं, बट न्यू मून पे क्योंकि हम अपॉर्चुनिटीज वगैरह सब ये अबेंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम चीजें इंक्रीज करना चाहते हैं, एम्पलीफाई करना चाहते हैं, इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं, तो मेन डोर, ठीक है। तो मेन डोर हमें अच्छे से उस पानी से साफ करना है, ये आप जरूर करिएगा, और ये सब करने के बाद आप सेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सेजिंग कर लीजिए, सुबह भी कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, धूप दिखा दीजिए, धुआं बत्ती जो भी आपके घर में अवेलेबल है आप वो दिखा दीजिए, ठीक है। तो मैं फिर मिलूंगी दूसरे वीडियो में बहुत इजी और छोटी सी रिचुअल्स बताने के लिए, और आप ये जरूर करिएगा, ये आप खुद फर्क महसूस करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि इससे आपको फायदा हुआ। अगर आप चाहें तो ये जो पानी आपने बनाया है इस तरह से आप रोज बना के भी इसको 4-5 दिन लगातार कर सकते हैं, जब आपको फील हो कि चीजें स्टक हो रही है या चीजें बढ़ नहीं रही है, तब आप ये काम कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि सिनेमन और जो हमारा सी सॉल्ट या सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो घर से नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, बीमारियों, इन सबको हटाता है, प्लस आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, समृद्धि, एबेंडेंस, खुशियां लेके आता है। सिनेमन बहुत ही प्रोटेक्टिव है प्लस सॉल्ट, मैं कई सारे वीडियोस में इनके यूजर्स बता चुकी हूँ, सिनेमन के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं आगे की वीडियोस में कवर करती रहूंगी। तो आप इसको करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक